हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदि देव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। हर हर महादेव। आज हम आपको महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा के बारे में, व्रत के महत्व और होने वाले लाभ की जानकारी देंगे। अच्छे से समझने के लिए अंत तक बने रहें। महालक्ष्मी व्रत धन, वैभव, सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखने से जुड़ी हुई कुछ खास बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। इस व्रत को गणेश चतुर्थी के 5 दिन बाद शुरू किया जाता है। ये व्रत भद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर अश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को खत्म होता है। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन फल, दूध और मिठाई का सेवन किया जा सकता है। व्रत के दौरान तारों की छांव में भोजन किया जाता है और तारों को अर्घ देकर व्रत खत्म किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत के दौरान हाथी पूजन की परंपरा है। द्वापर युग में महारानी कुंती ने ऐरावत हाथी मंगवाकर लक्ष्मी पूजन की थी। अगर कोई व्यक्ति पूरे 16 दिनों का व्रत नहीं कर सकता तो वह शुरू के 3 दिन या आखिर के 3 दिन का व्रत रख सकता है। आइए अब जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। एक मान्यता के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु जी की पूजा करता था। एक बार श्री हरि ने उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की कि मां लक्ष्मी जी का निवास उसके घर में हो। ये सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उन्हें एक मार्ग बता दिया। भगवान विष्णु जी ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थोपती है, उसे अपने घर आने के लिए निमंत्रण दो। वह धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर आएंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे से ही मंदिर के सामने ब्राह्मण जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में माता लक्ष्मी जी उपले थपने वहीं पर आ गई। ब्राह्मण ने उनसे उसके घर आने का निवेदन किया। ये सुन लक्ष्मी माता जी समझ गई कि ये सब भगवान विष्णु ने ही उसे करने के लिए कहा है। तब उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। ये व्रत 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। इससे बाद मां लक्ष्मी जी का पूजन कर ब्राह्मण ने माता जी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने अपना वचन पूरा किया। तब से ही वह व्रत पूरी श्रद्धा से किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को मां का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर